हनुमान गढ़ी अयोध्या में राम जी जिस समय धरती से जा रहे थे, हनुमान जी को सबसे ऊंचे स्थान पे बैठा करके अयोध्या का राजा बनाया और कहा आज से तुम अयोध्या के राजा हो, मेरे प्रतिनिधि हो। बाप का बेटा प्रतिनिधि होता है, गुरु का शिष्य प्रतिनिधि होता है, उसी प्रकार भक्त भगवान का प्रतिनिधि होता है। हनुमान जी राम जी के प्रतिनिधि बनकर के अयोध्या में बैठे हैं। इसलिए कलयुग में दो शक्तियां प्रचंड हैं, एक देवी की और दूसरी हनुमान जी की। इनकी जो साधना करेगा उसके जीवन में कोई दोष कोई समस्या उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्यारे हनुमान जी महाराज बोले, जयमंत जी ने कहा हनुमान बोल तो रहे हो लेकिन तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है। ले 4:08 हो गए, मैं घड़ी तो नहीं देखे अभी, अभी शुरू नहीं हुए हनुमान जी कथा हो। दुर्गा दयाल थोड़ बहुत तो हमोर ऊपर दयाल हो जाए, भंडारा शुरू हो गए है तो नो टेंशन, जाओ भाई धीरे धीरे खाक खाक आवाज जो आए हाँ खाक भागू जन नहीं हनुमान जी कथा चलत है। एक आंख गदा लपेटे पहाड़ फिर उधर पटिया जहाँ पट ले, भोजन और भजन दोनों है ना, भोजन करके यहाँ आ जाना, आरती हो के आखिरी में आज व्यास पूजन है। आज एक दो लोगों को लोकेश नाम लेकर नहीं बुलाएगा किसी को, दो पांच लोग जो विशिष्ट आए उनका, बाकी सब सबको मंच में बारी बारी से व्यास पूजन भेंट करने के लिए अनुमति। व्यास पूजन आखिरी दिन रामचरितमानस जी की विदाई है ना, तो इसलिए बिना आरती बिना बिना कीर्तन बिना व्यास पूजा के जो जाएगा मरने के बाद भूत बन जाएगा। तो मत कहना हनुमान जी कथा सुना रहे तब वो महाराज भूत बन गए, किसी की तोर गलती तय बिना आरती भाग रहे पीपर पेड़ में बैठ के चिल्लाहत मैं कहीं नहीं कर सका राजू लो चंदा जान लीजिए ठीक है नहीं। चलो फिर भी 60 मिनट टाइम है ठीक है कि नहीं, जो हमारा टाइम है उस टाइम तक पहुंच जाएंगे और क्या, 5 बजे खत्म होता है। जामवंत जी मुंह को लटका लिए, दो चार जन बेंद्रा मन पूछिन जामवंत बड़ा विचित्र आदमी हो जी इसे। बोले हनुमान जी इतने बड़े पूरा टेंशन खत्म हो गया है, सब बेंद्रा खुश है, जब सब जन रोवत रही ने तय खुश होकर पूछत रहे कहां रोवत है कहां रोवत है, तब तो रोवत नहीं रहे, जब हम सब जन माई पिल्ला रोवत रहे तो तय भारी खुश बने रहे, अब जब हम जब खुश हो गए तो तय रोवत है मुंह लटकाए बैठे है, तय हमारे अपोजिट है कि हमारे संग महत है गद्दारी थोड़े कर बे तेन ल बता के। जहां मंत्री जी बोले कैसे बात करता है, कैसे बात करता है मेरे गद्दार बोलता है, अरे बिल्कुल तुम्हारा लक्षण ही ऐसा लग रहा है, जब हम लोग खुश थे हम लोग रो रहे थे तुम खुश, और जब हम खुश तो टाए टाए फुस, अब मुंह लटका लिए क्या बात है। हनुमान जी ने कहे बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात नहीं किया जाता, ये भारत है, क्या है ये भारत है, यहाँ बुजुर्गों से गलत भाषा नहीं बोली जाती, लंका में बोला जाता है, भारत में बूढ़ों को प्रदूषण नहीं माना जाता, भारत में बूढ़ों को घर का आभूषण माना जाता है, इसलिए बूढ़ों से सम्मान से बात करो, और वो लंका है, लंका में बूढ़ों को प्रदूषण माना जाता है, याद रखना जो बूढ़ों को प्रदूषण माने समझ लेना वही खरदूषण है। क्या है, अलग से खरदूषण खोजने की जरूरत नहीं। कहां जाता बेटा चुप रही डोकरा, जब देखा तब खास था तो काले न देना, मैं कहां जाओ कहां हुआ था चुपचाप रहा, वो खरदूषण है वो राक्षस है, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करे वो भारत का वासी नहीं वो लंका का वासी है। हमारे यहाँ तो वृद्धों का सम्मान होता है, सबसे पहले बुजुर्गों को ही प्रणाम किया जाता है, ये भारत की परंपरा है ये भारत की संस्कृति है। प्यारे हनुमान जी ने कहा जामवंत जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, किसी ने कुछ कह दिया वो क्षमा चाहता हूँ, आप बताइए आप क्यों नाराज हो, जो आपको हृदय में ठेस लगा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप बताइए क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। ये हनुमान जी की विनम्रता, भारत में बूढ़ों का सम्मान किया जाता है, जामवंत बूढ़े हैं। रामचरितमानस में दो बूढ़ों की कथा है जानते हो ना, एक बूढ़ा कौन जामवंत, एक बूढ़ा कौन मालवंत। जामवंत की बड़ाई हो रही है और मालवंत को मालवंत की पिटाई हो रही है, जामवंत और मालवंत
जामवंत माने ज्ञानवंत। क्या? एक होता है ज्ञानवंत और एक होता है मालवंत। जोर जोर के धर ले ना खावन खावन देन दान पुण करे। रामायण हुआ चल भंडारा एक दिन के करा दो, रुपया करोड़ों जोर के धरे है। मरीहित कहाँ लेगी, डोमी सांप बन के बैठी हो, पैसा ऊपर अपन पेटी ऊपर है। तो इसने कैसे करते हैं, डोकरा हो गए धन धर के छोटा टूरा मन घेर के मारा हुई लड़े तभी दी कहाँ धरे गड़िया है डोकरा। चल बता इसी मालवंत की पिटाई हो रही है और जानवंत की बूढ़े हो गए, इनको पैसा रखने की जरूरत नहीं। केवल ज्ञान को रखो और अपने ज्ञान से अपने नाती पोतों को संस्कार दो, तुम्हारे बेटे तुम्हारे धन की आवश्यकता अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन आजकल ज्ञानवंत नहीं है ज्यादा, मालेवंत ज्यादा है। तो मालवंत की पिटाई हुआ थे। रावण कहाँ कहाँ थे, करिया मुह करी जाय अभागे, बूढ़ भयस न तो मरी हो तो ही। अच्छा, किसी को मारने के लिए तमाचा उठा लो, मारो चाहे मत मारो, पर गयो लौका है कि नहीं। बूढ़ भयस न तो मरते हो तो ही, अब जानी नयन दिखावस मोही। अब दोबारा मेरे सामने मत आना, बूढ़ा इसलिए छोड़ दिया वरना तेरे दोनों पैर में पत्थर बांध के समुद्र में फेंक देता। भाग यहां से, मुंह मत दिखाना। ये कौन कह रहा है, रावण किसके लिए, मालवंत के लिए। सुन ले रहा, ज्यादा रुपया पैसा जोर के झंझरे रह कर, नहीं बहु टोटल चपक भी नहीं देवा डोकरी ही देखी भाग लो, है कि नहीं। हाँ, वो चिल्लर चिल्लर निकालत रह कर, हाँ आती जाए बेटी ले जैसे की दवा रह कर, थोड़ थोड़ खर्चा जोर के धरे दी बे, तोर कहीं काम के नहीं, अचानक अटैक मजर सी आराम हो जाए। मालवंत बनने, बूढ़ों को मालवंत होने की आवश्यकता नहीं, बूढ़ों को ज्ञानवंत होने की आवश्यकता है। ज्ञानवंत को प्रणाम किया जा रहा है और मालवंत को दुत्कारा जा रहा है। प्यारे, ये भारत की संस्कृति, बूढ़ों का सम्मान। जामवंत जी ने कहा, हनुमान मेरा चेहरा लटका है इसलिए सारे बंदर नाराज हैं, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हारे इस तरक्की से, तुम्हारे इस बढ़ोतरी से, तुम्हारे इस बड़े स्वरूप को देख करके दुनिया खुश हो रही है, मैं क्यों खुश नहीं हो रहा हूं, मुझे भी खुशी है। तो बोले खुशी है तो खुशी को प्रकट किया जाता, इजहार किया जाता है, मुंह क्यों लटकाए हो। बोले तुम्हारे विराट स्वरूप को देख करके मुझे प्रसन्नता तो हो रही है, लेकिन इस विराट स्वरूप से, बड़े स्वरूप से, बड़े पद में तुम्हारी बाणी बड़ी नहीं है, तुम्हारी बाणी छोटी निकल गई, उस बाणी से मुझे कष्ट हो रहा है। याद रखना, आदमी बड़े पद पर बैठ जाए बस उससे वो बड़ा नहीं माना जाता, उसकी बाणी भी बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाणी भी बड़ी होनी चाहिए, बड़े पद के अनुसार गरिमा अनुकूल शब्द बोलना चाहिए। कई नेता ऐसे हैं बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उनको पता नहीं, कुछ भी बोलते हैं। याद रखना, जब बड़े पद पर पहुंच करके तुम गलत शब्द बोलोगे तो वो पद तुम्हारे पास नहीं रहेगा। कुछ लोग बड़े बड़े पद पर 500 साल से बैठे रहे, लेकिन उस पद पर बैठ करके वो राम को काल्पनिक बोलते थे, वो राम सेतु को काल्पनिक बोलते थे, आज उनका पद चला गया और पद यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ईमानदारी से बताओ, हो रही कि नहीं हो रही पद यात्रा, करो पद यात्रा, करते रहो, जिंदगी भर वही करना है, पद को दुत्कारा है तुमने। याद रखना, तुम जब पद पर थे तब तुमने भारत के करोड़ों हिंदुओं के हृदय में बसने वाले, जन जन में बसने वाले राम को काल्पनिक कहा था, तुम भविष्य में काल्पनिक हो जाओगे, तुम्हें कल्पना में याद किया जाएगा, देश तुमसे मुक्त हो जाएगा। तुमने हमारे राम को काल्पनिक कहा, हम तुमको काल्पनिक बना देंगे। तुमने पद का दुरुपयोग किया, हम तुमसे पद छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राम के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत देश
राष्ट्र, ये राष्ट्र तभी तक है जब तक राम है। याद रखना, राष्ट्रम कल्याणम करोति यस्मात् तस्मात् त्रियते यासा रामः। जो राष्ट्र के कल्याण के लिए जन्म लेता है उसका नाम राम है। ये राष्ट्र है इसलिए क्योंकि यहाँ राम है। राम ना होता तो ये राष्ट्र ना होता, ये भारत ना होता, इसका नाम भी कुछ इस्ताबुल फिस्ताबुल कुछ देश पड़ गया होता। इस देश को केवल राम ने बचाया है, धर्म ने बचाया है, इसलिए धर्म में कोई समझौता नहीं हो सकता। प्यारे हनुमान, तुमने पद के अनुसार बात नहीं की, क्या क्या गलती कर ली। बोले ये भाषा जो तुमने बोली ना, ये हनुमान की नहीं है, ये भाषा अभिमान की है। किसकी है? अभिमान की। तुम क्या बोल रहे हो? लीलो जागो जल निधि खारा, समुद्र को पी जाऊंगा। समुद्र क्या तुम्हारा प्राइवेट है जो पी जाओगे? हैं? एक संत को ये भाषा शोभा देता है, समुद्र को पी जाऊंगा। इस समुद्र से पूरे विश्व का कल्याण होता है और तुम इसे पी जाऊंगा बोल। अच्छा, तुम साधु हो, समुद्र को पियोगे, छन्नी लगा के पियोगे? इस समुद्र के भीतर बड़े बड़े जीव हैं, लेकिन एक ते एक ती नहीं जे खाही, सत जो जन तन परम विशाला।